हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेटीएम ने लोगों का पैसा डुबोया है और सफायर फूड के इन्वेस्टरों की यहां पर चांदी हो गई है। दोस्तों, अगर आपने भी पेटीएम में पैसा इन्वेस्ट किया था और यहां पर आपका शेयर मार्केट डाउन हो गया है और आपको भी यहां पर लॉस हुआ है, तो दोस्तों कल जो न्यूज़ थी उसमें दो कंपनियों के शेयर लिस्ट हुए थे। उसमें पेटीएम की पैरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन का शेयर लिस्टिंग पर निवेशकों को तगड़ा झटका दे गया, लेकिन KFC और पिज़्ज़ा हट को ऑपरेट करने वाली कंपनी सफायर फूड का शेयर प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ था। NSE पर यह 1180 रुपये के साथ प्राइस इशू के साथ 14% प्रीमियम यानी 1350 रुपये पर लिस्ट हुआ और BSE पर यह 1311 रुपये पर लिस्ट हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों सफायर फूड का IPO 9 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के साथ खुला था और 11 नवंबर को बंद हुआ था। इस IPO के लिए प्राइस बैंड 1120 से 1180 रुपये प्रति शेयर था। इसे 6.622 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। रिटेल पोर्शन कैटेगरी में ये 8.7 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 3.46 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 7.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों इस बीच पेटीएम में पैसा लगाने वालों को काफ़ी घाटा हो गया है। देश में सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पेटीएम की पैरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन की आज शेयर बाजार में लिस्टिंग हो गई। BSE पर कंपनी का शेयर 1955 रुपये यानी 9.07% डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ। इसका इशू प्राइस 2150 रुपये था, यानी एक शेयर पर निवेशकों को 195 रुपये प्रति शेयर का घाटा हुआ। तो NSE पर कंपनी का शेयर 9% डिस्काउंट के साथ 1950 रुपये पर लिस्ट हुआ। शुरुआती कारोबार में यह 1586 रुपये तक गिरा था। तो ये थी आज की शेयर मार्केट की न्यूज़। अगर आप तो इस तरह की न्यूज़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।